फातेपुर से मोहम्मद एहतेशम पप्पू एवं बबलू मिश्रा की रिपोर्ट। वैशाली, फातेपुर के हरलोचनपुर सुपकी गांव में हुए चार बच्चे समेत महिला के आत्महत्या के बाद पीड़ित परिवार के मदद के लिए कई समाज सेवियों ने आगे हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। आर्थिक तंगी से परेशान मृतक के परिजनों को प्रखंड क्षेत्र के गांडा गांव निवासी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार सिंह उर्फ मिंटू सिंह ने मृतक के परिजन को 15,000 रुपये आर्थिक मदद कर शुरुआत की। तत्पश्चात फातेपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष गणेश राय, समाज सेवी असलम सिद्दकी समेत दर्जनों लोगों ने आर्थिक मदद करते हुए सांत्वना दी। 15,000 की राशि यही प्रदान की है और जब तक इनको सरकारी मदद नहीं पहुंच जाता है सुचारू रूप से, तब तक हमने ये कहा है कि आपको मैं अपने संस्था की तरफ से आर्थिक मदद कैश देते रहूँगा, क्योंकि सरकारी मदद में थोड़ा विलम्ब होता है, इसीलिए तब तक मैं इनको सहायता करते रहूँगा जो खाने का दिक्कत ना हो, कोई तरह का और दिक्कत ना हो। सर, क्या लगता है कितना दिन में इनको सरकारी मदद मिल जाएगा, आप जो मदद कर रहे हैं? हमको लगता है कि जून के अंदर इनको मिल जाना चाहिए। जो बड़े बड़े लीडर आए हैं, राजगृह मंत्री आए हैं, नित्यानंद राज जी आए हैं, हमारे विधायक जी भी हैं, वो भी बहुत काम करते हैं, तो जून में मिल जाना चाहिए, लगता है कि मिल जाएगा। आगे अगर नहीं मिलता है, क्या आप लगातार मदद करेंगे या फिर 6 महीना तक हम कर सकते हैं? पूरी जिंदगी तो नहीं, इन 6 महीना तक इनका हम मदद बिल्कुल कर सकते हैं। ये 15,000 रुपये आपने दिया, क्या सिर्फ श्राद्ध के लिए दिया या क्यों? अभी तो ये उससे भोजन का ही व्यवस्था कर लें और जो श्राद्ध है कल से इनका 3 दिन, उस काम को खत्म कर लें, फिर आके इनको मदद कर देंगे। क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार उठी।